सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर द्वारका हूं, उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत कर। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज आपके लिए आया हूं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं कि सर 3 BHK के फ्लैट लाओ। अब जो द्वारका में क्या है, बिल्डर फ्लोर्स भी लेके आते हैं, अगर हम द्वारका में जब बिल्डर फ्लोर्स लेके आते हैं तो 2 BHK की रेंज 65 से लेके 1 CR है। तो DDA के जो प्लॉट में बने हुए जो बिल्डर फ्लोर्स हैं उनका जो रेट होता है 65 लाख से 1 CR होता है। बट कई लोगों का डिमांड होती है, सर हमें द्वारका के अंदर ही रहना है, 3 BHK की रिक्वायरमेंट है। तो ये आज आपके लिए 3 BHK की रिक्वायरमेंट सबके लिए पूरी करने जा रहा हूँ, और कम बजटेड बहुत ही सस्ते प्राइस में ये फ्लैट ले आया हूँ आपके लिए। इसका आप ड्राइंग रूम देखें, काफ़ी बड़ा आपको ड्राइंग रूम स्पेस मिल जाएगा, खुद देख सकते हैं। फॉल सीलिंग हो रखी है, सारा आपको पेंट करके मिलेगा। अभी इसमें पेंट वर्क हुआ नहीं है, पेंट वेंट सब करा के देंगे आपको, ठीक है। तो इसका सुपर एरिया 110 स्क्वायर यार्ड है, 110 स्क्वायर यार्ड। बाकी आपको फ्लैट दिखाता हूँ धीरे धीरे, इसके बारे में सब बताऊँगा। और इसकी बालकनी का जो व्यू है वो गार्डन व्यू, सस्ता 3 BHK ले आया हूँ, सबसे बड़ी बात गार्डन व्यू ले आया हूँ, इतना अमेजिंग व्यू आपने नहीं देखा होगा। उसके साथ साथ लिफ्ट कार पार्किंग के साथ, लिफ्ट भी मिलेगी, कार पार्किंग मिलेगी विद रजिस्ट्री, और लोन भी है इस प्रॉपर्टी पे, तो लोनेबल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। ये आपको मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखाया, ड्राइंग रूम के सामने मिलती है आपको किचन। किचन में पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, आप देख सकते हैं सारा काम किया हुआ है, चिमनी आपको लग के मिली हुई है। अच्छा, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें सनमाइका चेंज कराना हो, लैमिनेट्स जो चेंज कराना हो करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करा सकते हैं। वैसे काम हुआ हुआ है, फिर भी कई लोगों की रिक्वायरमेंट्स होगी हमें मॉड्यूलर बनाना है, तो आप मॉड्यूलर अपने आप बनवा सकते हैं। तो ये हो गई इसकी किचन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट बेडरूम। वार्डरोब यही है क्या? फर्स्ट बेडरूम है, अगर बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो 10x13 का रूम साइज़ है, तो रूम साइज़ भी छोटे नहीं है, 10x13 का रूम साइज़ है। इसके साथ आपको वॉशरूम भी मिलता है, अटैच वॉशरूम है। वार्डरोब के लिए आपको पूरी अलमीरा मिलती है, बड़ा स्टोरेज है, स्पेस है, तो कोई इशू नहीं है स्टोरेज स्पेस का। ऊपर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, आप देख सकते हैं साइज़ काफ़ी अच्छा है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपको विंडो भी मिल जाती है, और 2 बेडरूम्स के साथ आपको बालकनी मिलती है। ये इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, इस रूम के साथ 2 वॉशरूम मिलेंगे आपको 3 BHK के साथ, 2 वॉशरूम। और बालकनी का व्यू देखो, सबसे पहले तो आप प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगी यहाँ पर, आप खुद देख सकते हो, सुबह आओ शाम आओ, आपको कहीं पार्क भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जो फील है ना, ठंडी ठंडी हवा जो ये फील होता है, इसका मजा ही अलग है। आप देखो मेट्रो आपको सामने दिख रही है, सेक्टर 11 की मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास ही है, तो ये देख सकते हैं आप। और मोर ये जो बने हुए हैं ना स्टैचू मोर के, इसलिए नहीं ऐसे ही नहीं बनाए हुए हैं, यहाँ पे ओरिजिनल मोर भी दिखेंगे आपको दोनों। तो ये स्टैचूज तो देख ही रहे हैं मोर के, और आप बैक साइड में देखेंगे कि ओरिजिनल जो मोर है, मोर भी इस पार्क में, यहाँ एरिया में मोर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये देख सकते हैं। तो ये दिल मांगे मोर वाली सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। पीकॉक गार्डन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसीलिए इसको पीकॉक पार्क बोलते हैं, क्योंकि पीकॉक बहुत ज़्यादा हैं सेक्टर 19 में। और आप व्यू देखो एक बार, लश ग्रीन व्यू दिखेगा आपको, इतना अमेजिंग व्यू आपको मिलता है, पार्किंग मिल रही है, लिफ्ट मिल रही है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। दिल्ली में यही प्रॉब्लम हो रही है सबको, कि पार्किंग का इशू आ रहा है, या फिर आपको इशू आता है लिफ्ट का, कि हम स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे, एजिड हैं, तो लिफ्ट भी मिल रही है, पार्किंग मिल रही है विद रजिस्ट्री मिल रही है। भी अगर इशू हो तो गेस्ट पार्किंग इधर लग जाती है। सामने आप देखेंगे जो बिल्डिंग नई बनी है, ये कम्युनिटी सेंटर है, आपको अपने बच्चों का बर्थडे करना हो, शादी करनी हो किसी को, कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन करना है, तो आपको कम्युनिटी इसको ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, आप इस कम्युनिटी सेंटर को ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, कोई भी आपके घर में फंक्शन हो छोटा मोटा, तो वो भी बगल में ही है, तो इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। लश ग्रीन पार्क व्यू मिलेगा यहाँ पे, सुबह सुबह चाय पीने का जो मज़ा है वो मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता वर्ड्स में, आप खुद के एक्सपीरियंस आप खुद ही करें उसका। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी बालकनी तो मिलती ही है, ये बालकनी का साइज़ देखें, ये पूरी बड़ी बालकनी मिलती है आपको, दोनों बेडरूम के साथ अटैच है। इस बेडरूम से निकल के मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको नेक्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ इसका। ये इसका सेकंड बेडरूम है, इसका भी साइज़ उससे बड़ा है, इसमें 11x13 का ही रूम साइज़ है, बड़ा। इसमें भी आपको वेंटिलेशन के लिए अगेन बालकनी भी है, विंडो भी दी गई है, आप यहाँ से विंडो भी खोल लेते हैं तब भी आपको फ्रेश एयर आएगी, दोनों रूम्स में, ड्राइंग रूम में, किचन में, पूरा घर वेंटिलेटेड है। और आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर भी इसके साथ भी आपको वार्डरोब मिल जाती है, तो वार्डरोब का इशू ख़त्म हो जाता है। इस टाइप का फ्लैट जहाँ पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, गार्डन फेसिंग, लिफ्ट, कार पार्किंग और रजिस्ट्री के साथ लोनेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें ना एक साथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये फ्लैट भी बहुत जल्दी बिक जाएगा। तो प्लीज़ देरी ना करें, मेरे मोबाइल नंबर 9540000508,
954-00-00-509 इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बुकिंग इस फ्लैट को दिखाने के लिए करवा सकते हैं। ठीक है, तो बुकिंग के लिए आपको देखना हो, जैसा भी हो, तो वो कर सकते हैं। तो ये हम अगेन अपने ड्राइंग रूम एरिया में आ गए हैं, लिविंग रूम में। इसके साथ आपको अटैच कॉमन ये वॉशरूम मिलता है। तो थर्ड रूम देख सकते हैं, इसमें भी आपको वार्डरोब मिल जाती है। थोड़ा सा लाइट का शायद आज इशू है इसमें, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। 10x10 का ये रूम साइज है। यहाँ पे आपको शाफ्ट मिल जाती है, तो इसमें भी वेंटिलेशन की इशू नहीं है, इसमें भी ऊपर तक शाफ्ट ओपन है। ये तीसरा रूम मिल जाता है, वार्डरोब इसके साथ भी मिल जाती है। तो तीनों रूम्स मैंने आपको दिखा दिए, ड्राइंग रूम दिखा दिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये गेट मिल जाते हैं, ये आपको लिफ्ट मिल जाती है इसमें। तो ये इतनी अमेजिंग लिफ्ट आपको इसमें लग के मिलेगी। लिफ्ट भी देख लो, ये नीचे पार्किंग का एरिया भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं पूरी पार्किंग मिल जाएगी आपको, और ये सारा अभी पेंट होना है। तो पूरी सबसे बात हो गई है, तो पूरी बिल्डिंग बाहर से भी और अंदर से सारी पेंट होनी है। ठीक है, तो ये पूरी आप पार्किंग, और देख सकते हैं बिल्कुल गेट के सामने ही बड़ा पार्क है। एरिया, पार्किंग एरिया सारा दिखा दिया। ठीक है, तो अब मैं इसके प्राइस की बात के बारे में, मैंने इस प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। इसका प्राइस जो है 65 लाख है, बहुत ही थोड़ा सा ही नेगोशिएबल है, क्योंकि प्राइस मांगा ही ऐसा है, 68 या 70 नहीं मांग रहा, सिर्फ 65 मांग रहे हैं। 65 लाख नेगोशिएबल है, जल्द से जल्द आएँ, अपनी विजिट बुक करा सकते हैं और इस फ्लैट को जल्द से जल्द ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं स्पेसिफिकली सब कुछ बता देता हूँ कि DDA प्लॉट्स में है या लालडोरा लैंड में है, तो ये लालडोरा लैंड में है। ठीक है, बट इसमें कोई इशू नहीं है, विद रजिस्ट्री है, कंप्लीट है, चेन पूरी है, लालडोरा लैंड है बट चेन पूरी है। लोकेशन बहुत अच्छी है, सेक्टर 19 द्वारका में है। तो मेट्रो स्टेशन हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर, भी शायद ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट 1 किलोमीटर यहाँ से मेट्रो स्टेशन है हार्डली। मार्केट पूरी अमराई की पास है, सेक्टर 11 की मार्केट पास है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 19 में ही बन गया है, तो सेक्टर 19 में आपको बड़े बड़े पार्क्स भी मिल जाएंगे। 3-4 बड़े बड़े पार्क्स हैं, एक तो आपके सामने ही, और भी बड़े बड़े पार्क्स इसके पास ही हैं। तो आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, सेक्टर 11 की मार्केट और वेलकम होटल यहाँ से बहुत पास में है। तो ठीक है, वेलकम होटल बहुत पास में है, वर्धमान मॉल यहाँ से बहुत पास में है। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट का 1700 बेड का हॉस्पिटल है, वो भी यहाँ से सेक्टर 9 है, तो बिल्कुल सामने 10 पड़ता है, उसके अपोजिट में 9 है, तो 9 का गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बिल्कुल पास में है। तो गवर्नमेंट स्कूल भी यहीं पर हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी सेक्टर 19 के आजू बाजू हैं, चाहे सेक्टर 10 की बात करें, चाहे सेक्टर 11 की, 18 की बात करें, सब पास पास हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो सारे आपको प्राइवेट स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स मिल जाएंगे, आपको डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे, सारा कुछ यहाँ पास में ही है। भारत वंदना पार्क भी बन रहा है सेक्टर 20 में, तो उसके अगर कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर लेना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी ये डील बहुत अच्छी है। इसमें आपको रेंट जैसे कि पेंट होके मिलेगा, तो 20,000 रुपये तक आपका रेंट आराम से आ सकता है। तो किसी को अगर सिर्फ इस वजह से लेना है कि हाँ भाई हमें लेके रखना है, रहना तो है नहीं, लेके रख लो, आपकी रेंटल इनकम 20,000 रुपये आ जाता है। अगर जैसे कोई फर्नीचर भी डलवा देगा तो थोड़ा और ज़्यादा भी आ जाएगा, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, किसी को रेंटल पे इनकम। अच्छा, कई बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास भी बहुत ज़्यादा आने लगा है कि सर हमारी जॉब है बट हम 3 BHK लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, एक इन्वेस्टमेंट करके आप रख सकते हैं। और किसी को एजड आते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स एजड ज़्यादा हैं, तो उनको लिफ्ट चाहिए ही चाहिए, तो इसमें फ्लोर्स में लिफ्ट है। और 3 BHK की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है द्वारका में, तो इस वाले ऑप्शन में आपको सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं, पार्क भी मिल गया है, लिफ्ट भी है, पार्किंग भी है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप 3 BHK किसी भी सोसाइटीज़ में लेते हो तो 1.40 से लेकर 2.25 करोड़ रुपए, हर वीडियो में बता देता हूँ। DDA फ्लैट भी अगर आप 3 BHK लेते हो तो 125 से लेकर 170 तक मिलता है आपको DDA फ्लैट्स। अगर DDA प्लॉट में बना हुआ बिल्डर फ्लोर लेते हो, 3 BHK में लेते हो, तो सिर्फ सेक्टर 8 में 120 गज का है, वहाँ पर आपको मिलता है 1.15-1.20, नया इतने का रेट है। पुराना कोई लोगे तो शायद 90-95 में मिल जाए, बट वो पुराना मिलेगा। और आपको लगता है हमारा बजट 1 है, 1.15 है, 1.20 है, तो आप सेक्टर 8 के 8 में ले सकते हैं, नया वहाँ पर आ जाएगा 120 गज का। अगर जिनको लगता है कि नहीं सर इतना तो बजट ही नहीं है, तभी तो आपको कॉल करते हैं कि सस्ता चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेक्टर 17 में अगर आप लेते हैं 150 स्क्वायर यार्ड का 3 BHK, वहाँ पर रेट हो गया 175 से लेकर 2.35 CR तक का रेट है सेक्टर 17 में 150 गज के फ्लोर का। सेक्टर 19 में 210 गज का फ्लोर लेते हैं DDA प्लॉट में बना हुआ, तो उनका रेट हो गया है लगभग 2.10 से लेकर 2.5। ठीक है, तो ये रेट्स चल रहे हैं 3 BHK का, तो सबसे बेस्ट है। सारी चीज़ें, सारी बेसिक एम्यूनिटीज़ के पास मिल जाएगा आपको। लाल डोरा ज़रूर है बट ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि आजू बाजू ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्क सामने है।
तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर ज़रूर करें, एक बार विज़िट ज़रूर करें, ठीक है, एक बार विज़िट करें, सारी चीज़ें ज़रूर देखें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि लेना है कि नहीं लेना है, विज़िट। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जल्द से जल्द इसकी विज़िट करवाएं, ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।